हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन एंड होप एवरीवन इज डूइंग वेल। एंड आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैं आलू एंड सूजी के साथ बहुत ही एक अच्छा सा पूरी बनाऊंगी। और ये बहुत मज़ेदार रेसिपी होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप किसी कोई दूसरे कड़ी के साथ खाने का ज़रूरत नहीं, आप नॉर्मल पूरी या बस खाली पूरी खा सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ कंटिन्यू द होल वीडियो। एंड आप लोगों का मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। एंड इफ़ यू न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट आप लोगों को मेरा न्यू रेसिपीज जो भी आएगा वो नोटिफिकेशन में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का ये पूरी बनाने के लिए सूजी को थोड़ा सोक कर लेना पड़ेगा बॉयल पानी से और थोड़ा 10 मिनट के लिए ढक के रख देना ताकि सूजी थोड़ा नरम हो जाए। दस मिनट बाद हम लोग देख रहे हैं सूजी अच्छे से सोक हो गया है। अभी हम लोग इसको एक डो बना लेंगे। इसके लिए मैंने एक बॉईल किया हुआ आलू ले लिया है जो कि मैंने स्मैश कर लिया है ऑलरेडी। अब मैंने इसमें सूजी डालूंगी। अब डालूंगी इसमें थोड़ा सा मैदा। बहुत ही छोटा छोटा करके स्लाइस करके हम लोग प्याज काट के वो डालेंगे। अब देंगे इसमें थोड़ा ग्रीन मिर्च, वो भी बहुत छोटा छोटा स्लाइस स्लाइस करके काटना है। यहाँ पे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी, बहुत ही कम। नेक्स्ट में डालूंगी नमक। और ये पूरी खाने के लिए आप लोग को इसके साथ कुछ और खाने का जरूरत नहीं होता है, बहुत तीखा होता है। और इसमें मैं थोड़ा रेड मिर्च डालूंगी। आप लोग के पास अगर चिली फ्लेक्स है तो वो भी यूज कर सकते हो। अभी इसको अच्छे से मिलाना है। और कुछ भी पानी या फिर कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही एक डो बनाना है इसका। तो ऐसे ही डो बनाना होगा। और अभी ये थोड़ा बहुत सॉफ्ट है, इसको हम लोग और मैदा देके थोड़ा अच्छे से डो बना के जैसे कि बेलने में आपको कोई दिक्कत ना हो। हम लोग इसको अभी थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके लेची बना के इसको बेलेंगे। और थोड़ा हाथ में पहले ऑयल ले लेंगे। आप लोग अगर चाहे तो मैदा से भी बेल सकते हो, जो आप लोग को ईजी लगे। राउंड करके अब थोड़ा मैदा में डुबा के
अभी हम लोग इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। बहुत ही सावधानी से उठाना है। और इसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक वेट करेंगे दो साइड ही। अब देखो ये एक साइड गोल्डन ब्राउन हो गया है, हम लोग सेकंड साइड भी डालेंगे नेक्स्ट साइड। और दो साइड ही गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम लोग इसको निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग हर एक पूरी बना लेंगे और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है, नॉर्मल पूरी से बहुत तीखा होता है। और इसके साथ आप लोग को दूसरे कुछ करी खाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये ऐसे तीखा होता और टेस्टी भी होता। तो अभी हम लोग पूरा सूजी एंड आलू का पूरी बन गया, सर्व करने के लिए रेडी है। और ये बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है, आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा, आप लोग खुद घर पे ट्राई कर सकते हो। और आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।